फ्रेंड्स, तो आज हम पत्तियों की खाद बनाने जा रहे हैं। जो हमारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं पूरे साल के लिए, हमारे लिए पौधों के लिए, गमलों के लिए ये खाद बन जाती है। तो हमने एक ड्रम ले लिया है, तो इस ड्रम में मैं इस पत्तियों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा इनको गीला करती रहती हूँ 2-4 दिन के बाद, तो ये अच्छी तरह से गल जाती हैं और ये कंपोस्ट के फॉर्म में आ जाती हैं। तो आप भी इस तरह से इसको कंपोस्ट बनानी हो तो इस तरह से पत्तियों को किसी ड्रम में या किसी बोरी में डाल के रख दें, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है प्लांट्स में, गमलों में जो भी हम उगाते हैं। तो इसको हमने 1 हफ्ते के लिए रोज़ पानी दे के छोड़ते रहना है और 10 या 15 दिनों में ये खाद हमारी बन के रेडी हो जाती है। तो ये एक दूसरा ड्रम है, इसमें मैंने 1 महीना पहले ये खाद बनानी शुरू कर दी थी उसी तरह से। तो ये देखिए पूरी खाद है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने ड्रम में से निकाल के धूप लगवा देनी है और थोड़ी ये खुश्क हो जाएगी तो इसको हमने लिफाफों में या फिर बोरी में भर के रख लेंगे। जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही पावरफुल ये टॉनिक माना जाता है पौधों के लिए। तो इसको हम निकाल के अब धूप लगवाएंगे थोड़ी देर के लिए।